वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वाइल्ड ट्रैवलर अभिषेक। सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। यही दुआ करता हूँ कि ये नया साल हम सभी को अच्छे से गुजरे। एंड आज की तारीख है 2 जनवरी 2023 और अभी नए साल की पहली राइड के लिए जा रहा हूँ मेरे एक फ्रेंड के साथ। ऑफिस का फ्रेंड है और उसका नाम है एरन। उसने अभी हाल ही में स्कूटी परचेज की तो इसलिए उसको राइड पे आना था, ये रहा वो। उसके साथ मैं अभी जा रहा हूँ एंड क्योंकि उसको अभी फर्स्ट सर्विसिंग करनी है तो इसके लिए उसको जल्दी से थोड़े किलोमीटर्स बोलते हैं ना कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो वो बोला कि चलो अपन साथ में कहीं जाते हैं तो इसलिए मैंने ये राइड फिक्स की। ये रहता है वसई में और मैं बोरीवली से यहाँ पे आया हूँ। तो अभी यहाँ पे हम लोग साथ में मिले हैं, अभी यहाँ से एक्चुअल राइड हमारी स्टार्ट होगी। अब सुबह का टाइम हुआ है 6:30 एंड आप देख ही रहे हो मेरे राइट साइड में कितना मस्त सनराइज़ हो रहा है, क्या ऑरेंज ऑरेंज कलर दिख रहा है पूरा। 2-3 दिन से जो ठंड पड़ी ना भाई, ज़बरदस्त पड़ी है, एक नंबर ठंड है। और ये साइड जब आप आते हो ना वसई विरार ये साइड, तो भाई ख़तरनाक वाली ठंडी है। मतलब देखो मैंने ना ग्लोव्स पहने हैं, अच्छा स्वेटशर्ट पहना है, बट ग्लोव्स से भी काफ़ी हाथ सुन पड़ रहे हैं मेरे, पूरे हाथ अंदर से फ्रीज हो रहे हैं ग्लोव्स पहनने के बाद भी, इतनी ठंड है भाई। तो चलो अभी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, बाकी आगे बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड की बाइक न्यू है, मतलब स्कूटी वही जो भी है, उसे और मुझे दोनों को भी स्पीड लिमिट मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके लिए 50 तक ही उसको चलना है, 50 के स्पीड के आसपास ही, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है तो उसको भी लॉन्ग रन में उसके बाइक का जो माइलेज है वो मेंटेन करना है। ये हमें आज लिमिट पालनी होगी। वैसे भी आपको वीडियो का टाइटल देख के तो पता चल गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग सिंचन लेक जा रहे हैं जो कि है सफाले में, एंड सफाले में ही वहीं पे वो लेक के आसपास ही कहीं मेरे फ्रेंड का एक दूसरा घर है। तो बस प्लान सिंपल सादा सा है, वो लेक विजिट करेंगे हम, थोड़ा वहाँ पे रिलैक्स करेंगे और फिर मैं अकेला ही रिटर्न निकलूँगा क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो उसके घर में ही वहाँ पे रहने वाला है आज के दिन। तो वो उसके घर पे चला जाएगा एंड मैं रिटर्न अकेला ही निकलूँगा। एंड गाइस सी यहाँ राइट से सनराइज़ हो रहा है, वाह यार क्या नज़ारा दिख रहा है, सीरियसली काश हमें रोज़ ऐसा नज़ारा हर मॉर्निंग देखने मिले, बट ठीक है एन्जॉइंग नाउ। एंड गाइज ठंड बहुत है यार सच्ची में, मैंने जैसे कहा ना फट रही है, मुझे ठंड सहने की आदत है बट फिर भी पता नहीं क्यों यार आज ठंड ज़्यादा लग रही है, मतलब है ठंडी इसलिए लग रही है। या बट एन्जॉइंग दिस वेदर। एंड गाइज अभी हम लोग यहाँ पे खाने रुके, यहाँ पे लेफ्ट में एक टोल प्लाजा है, जैसे आगे आते यहाँ पे छोटे मोटे स्टॉल्स है तो बस यहाँ पे रुक गए, थोड़ी भूख लगी है एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यार चाय है, एक गरम गरम चाय चाहिए। तो थोड़ा सा खाते चाय पीते एंड फिर निकलते। हाय दिस इज एरन। तो अभी चाय पी रहे हैं यहाँ पे, ये जो कोई टोल है इसका मुझे आई डोंट नो नाम नहीं पता है, बट अभी चाय पीने रुके हैं। अभी अच्छा लग रहा है, मतलब हाथ देखो पूरे फ्रीज हो चुके हैं, मुझे हिलाने को भी नहीं हो रहा है, मुँह करने नहीं हो रहा है, ग्लोव्स पहन के ये हालत है गाइज। ठंडी तो भाई ज़बरदस्त पड़ी है तो चाय की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसको कहा भाई पहले चाय पीते यहाँ पे रुक के, कोई घाई नहीं अपने को, शांति से जाना है, लेक पे ही जाना है, कहीं लंबा नहीं खींचना है। गाइस आपको ये देखना चाहिए, देखो एक बार, देखा आपने यार लिटरली इतना फॉग मुँह से बाहर पड़ रहा है, मतलब जब भी पड़ती है ठंडी तो एकदम खतरनाक वाली पड़ जाती है, फिर नहीं तो फिर नहीं। ये साल पड़ी नहीं ठंडी ज़्यादा बट अभी मस्त पड़ी है सच्ची में यार, ये ट्रक्स पूरा ना रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, देखो कितने ट्रक्स की लाइन लग गई है, पूरा रोड ब्लॉक करके रख देते हैं, मॉर्निंग का इतना खाली रहता है रोड, बट इन लोग की वजह से यार बहुत तकलीफ है। तो चलो भाई खा के हो गया, अभी सच्ची में जान में जान आई, सीरियसली खाया और जो गरम गरम चाय पिए ना बहुत अच्छा लगा। अभी निकलते हैं जल्दी, एक घंटा तो लगेगा अभी भी यहाँ से आई गेस, चलो लेट नहीं करते क्योंकि ना आगे एक स्पॉट है मस्त, तो वहाँ पे फॉर श्योर हम लोग रुकेंगे थोड़ा फोटो सेशन वगैरह के लिए, तो इसलिए फिर लेट हो जाएगा और इसलिए बेहतर है जल्दी जल्दी निकल जाए अभी, अर्ली मॉर्निंग है तो। और अभी सन को देखो, पहाड़ों से बाहर आ गया है, वाव
और भी प्यारा लग रहा है यार, खूबसूरत लग रहा है अभी तो। और आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो गया, 2 महीने हो गए अभिषेक के वीडियोस नहीं आ रहे, शायद चैनल बंद ही हो गया रहेगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बता दूँ, आप में से बहुत लोगों को तो पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए, कि भगवान की देन से, भगवान की कृपा से हमारे लाइफ में एक छोटा सा नन्ना सा बेबी आ चुका है। एंड ऐसा है कि मतलब वो आने के बाद तो अभी आपको क्या बताऊँ, आप में से बहुत लोग ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले चुके हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको तो मालूम है यार बेबी आने के बाद मतलब कैसा होता है, लाइफ थोड़ा चेंज हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती ही है, बट यार उसके साथ खेलने में, उसके साथ टाइम गुजारने में बहुत मज़ा आता है, और उसको है ना छोड़ के कहीं जाने का मन ही नहीं करता है यार, सच्ची में। तो बस यही सब चल रहा है। बट यार चैनल बंद नहीं होने दूंगा यार, क्योंकि इतना मेहनत लेके अगर यहाँ तक आया हूँ तो ऑब्वियसली यार कुछ करना है, आगे इस चैनल में प्रोग्रेस चाहिए, तो ज़रूर इसको चालू रखूँगा और ट्राई करते रहूँगा कुछ ना कुछ। और इसीलिए अभी नए साल में मैंने डिसीजन लिया है कि भाई रेगुलर वीडियोस आने चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो फिर प्रोग्रेस कुछ होने वाली है नहीं अपनी। एंड गाइस, हाईवे से अभी हमने लेफ़्ट ले लिया है, एक ब्रिज के नीचे से एक लेफ़्ट आता है, तो वो लेके अभी हम लोग सफाले रोड पे पहुंच गए। अभी यहाँ से समझो कि और एक 20 मिनट लगेंगे मैक्स। ये एक सिंगल लेन रोड है, एंड कंपेयर टू हाईवे ना, ऐसे रोड पे ही बाइक गाड़ी चलाने बहुत मज़ा आता है। ऐसे गांव साइड जो प्रॉपर रोड रहते हैं ना, इसमें बाइक चलाने सच्ची में बहुत मज़ा आता है। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था थोड़े टाइम पहले कि एक स्पॉट आएगा आगे जहाँ पे हम लोग मोस्ट ऑफ फोटो सेशन करने के लिए थोड़ा रुक जाएंगे रिलैक्स करने के लिए, एंड दिस इज़ द स्पॉट। खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे अभी सुबह के टाइम पे, तो यहाँ रुकना तो बनता है यार, थोड़ा तो फोटोज़ वगैरह खींच लेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। मेरे हाथ देखो आप, ये जो आगे का पोर्शन है ना बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, एकदम सुन पड़ गया है। और ये नज़ारा देखो यार, क्या खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह, इतना शांत है पानी और जो फॉग जम रहा है ना ऊपर, वाव यार। एंड गाइस, नाउ वी आर ऑलरेडी इन सफाले, सफाले पहुंच गए, एंड अभी ये देखो खूबसूरत सा लोकेशन है यार, मीट एरन वंस अगेन। एज आई सेड, उसका यहाँ पे घर है सफाले में, तो उसके लिए तो ये रोज का रोड हो गया, मेरे लिए नया है, मैं ज़्यादा यहाँ पे आया नहीं हूँ, पहली बार एक बार आया था, कहाँ पे गया था इधर मालूम नहीं, बट अभी बहुत टाइम के बाद फिर से आया हूँ, तो या इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड गुड मॉर्निंग राइड। अभी लिटरली जैसे मैं कब से बोल रहा हूँ ना यार, बहुत ठंडी है, ठंडी है। अभी देखो यहाँ पे सूरज ऊपर निकला है अच्छे से, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है अभी, थोड़ा बहुत फिर भी, बट या बहुत मज़ा आ रहा है। एक बार 360 डिग्री आपको व्यू दिखा देता हूँ। तो गाइज, फोटो सेशन हो गया, काफ़ी सारे सेल्फीज वगैरह क्लिक कर लिए। एंड गाइज, नाउ इट्स 8:30, काफ़ी जल्दी पहुंच गए। यहाँ से सिंचन लेक मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स पे रहेगा आई गेस। तो चलो अभी थोड़ा सोलो फोटोज निकालते हैं, सेल्फीज निकाल लिए दोनों के, मैं थोड़ा सोलोज निकालते हैं एंड बाद में निकल जाता हूँ यहाँ पे।
एंड हम लोग अभी पहुंच रहे हैं ऑलमोस्ट गाइज, आगे ही कहीं से राइट है, मैप में दिखा रहा है, तो लेट्स सी वेयर इट इज़। यस, ये रहा वो राइट, यहीं से राइट लेना है। एंड या यहाँ से तो पूरा ये अंदर का ऑफ रोड जैसा रास्ता है, अभी मैक्स आई थिंक यहाँ से तो 5 मिनट लगेंगे। एंड यस गाइज, फाइनली हम लोग पहुँच गए हमारे स्पॉट पे। यार क्या खूबसूरत है, व्हाट अ ब्यूटी यार, सीरियसली मज़ा आ गया। बस अभी थोड़ी धूप निकल गई है, बट ठंडी अभी भी हल्की हल्की है, तो अच्छा लग रहा है। नाइस नाइस लोकेशन यार। एंड गाइज, फाइनली वी आर एट सिंचन लेक। टाइम हुआ है 9:15। बहुत टाइम पास करके करके पहुँचे, क्योंकि कुछ घाई नहीं था, ये लोकेशन बहुत पास में ही था, तो बोला घाई क्यों करने का ना, सो आराम आराम से आए। बट यार सीरियसली ब्यूटीफुल लोकेशन। मतलब अभी ये लेक तो बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि पानी कम हो गया है थोड़ा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं देखने में। और यहाँ पे अगर रिलैक्स करना है ना, तो इट्स रियली अ गुड प्लेस, वर्थ टू कम। सो अभी यहाँ पे थोड़ा चिल आउट करते, थोड़ा बैठते हैं, उसके पहले आपको थोड़ा लोकेशन दिखा देता हूँ। बट सी द माउंटेन रेंज यार, सीरियसली मतलब अभी थोड़ा फॉग चला गया ना, तो वो जो माउंटेन से सामने एकदम क्लियर दिख रहे हैं। तो देखा गाइज, बहुत मस्त लोकेशन है। मतलब लिटरली ना पानी में वो सामने जो माउंटेन से उसका पूरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, एंड फॉग अभी जो चला गया है तो ऑलमोस्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर व्यू आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई पेंटिंग करी है किसी ने। सो रियली इट्स रियली नाइस प्लेस। अभी एक बैठते 15-20 मिनट और सो थोड़े फ़ोटो खींचते एंड फिर निकल जाते। सो या बहुत वर्थ कमिंग था, एंड नए साल की ऐसी बहुत अच्छी प्यारी शुरुआत हो गई। सो इट्स रियली गुड, आई एम फीलिंग गुड। सो चलो अभी फिर निकलते वक्त मिलता हूँ, थोड़ा रेस्ट करते, एंड लेट मी एन्जॉय दिस लोकेशन फॉर सम टाइम। या गाइज, बैठे हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हैज़ गॉन। आई मीन अच्छा लग रहा है बहुत, एंड अभी तो धूप काफ़ी अच्छी निकल गई है, ठंडी बिंडी सब अभी चली गई। हाँ अभी भी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, बट दैट्स फाइन, अभी निकल गई ऑलमोस्ट सब ठंडी। एंड अभी हार्श सनलाइट बाहर आ रही है पूरी तरह से। यहाँ पे ना मतलब इतनी शांति मिल रही है, कान ऐसे सुन पड़ रहे हैं इस शांति से। सो दिस पीस इज़ रियली नीडेड। तो कभी कभी ऐसी जगह पे आना बहुत ज़रूरी रहता है। बस हो गया, अभी 5 मिनट में निकल जाएंगे। सो गाइज या अभी एक काम करता हूँ, लेट्स एंड द वीडियो हियर। अगर आपको ये नए साल का मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर करो, और जो भी नए से मेरा चैनल देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। सो डू सब्सक्राइब गाइज, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप ट्रैवलिंग। एंड यस गाइज, नेचर को क्लीन रखो जितना हो सके, प्लीज़ क्लीन रखो, कचरा मत करो ऐसी सब जगह पे, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। एरन, यस हाउ इज़ द राइड देन? It was amazing, yeah. अमेजिंग नो? You also या tried. या या श्योर श्योर। सो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।